इधर दिखाइए भैया, देखो यार कैसा कैसा बना हुआ है पूरे ये भैया कैसा था ना। अरे बाबा कैसा कैसा बन गया है ये, जैसे महाभारत समय नहीं बना रहता है गुफा के अंदर। लोगों को मैंने कुटुमसर गुफा दिखा दिया, तो अभी मैं आ गया हूँ वहाँ से कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान डंडक गुफा के पास। तो चलो मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ, यही साइट लेके जाएगा डंडक गुफा तक। तो आप लोगों को मैं डंडक गुफा दिखाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि यहाँ से मुझे उम्मीद है कि अच्छा से मैं दिखा पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर शायद दिखाने वाला है। एक भैया ने मदद किया है, लक्ष्मण भैया थे नाम, वो बोला कि वहाँ पर आपको दिखा देगा अच्छा से ये गुफा। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सब मेहनत बेकार, ताला लगा हुआ, ये रुको जरा सबर करो। सब मेहनत बेकार हो गया, सब का सब मेहनत। ये यहाँ का देखो नज़ारा है कुछ इस तरह से, पूरे पहाड़ पे बीचों बीच ये गुफा है। शायद अभी काम भी चल रहा है यहीं पर था। और इधर का स्ट्रक्चर देखिए आप लोग, मैं बीच जंगल में का एक यहाँ पर हूँ, कब क्या हो जाएगा मेरे साथ कह नहीं सकते। और इधर हेलीकॉप्टर का आवाज़ आ रहा है, शायद सेना का कुछ हुआ है नक्सलाइट्स के साथ। और इधर देखो कैसे कैसे बनाया गया है यार, पूरा बनाया नहीं मतलब बना हुआ है। और जब ये पानी जो गिरता होगा ना, पानी के कटाव के कारण कैसा बन गया है ये। हेलीकॉप्टर जा रहा है, और ये इधर काम वाला यहाँ पर देख रहे हो जा रहा है। ये तो मेहनत बेकार हो गया, मैं क्या कहूँ आप लोगों को। दो ठो जा रहा है ये यार, ये देखो एक ठो इधर जा रहा है। चलता हूँ अब, मैं क्या कह सकता हूँ, जब ताला ही बंद है तो। लेकिन अच्छा लग रहा है, डर भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा। चलो यार वीडियो बंद करते हैं, अब जाते हैं तीरथगढ़। ये वाला क्या रहता है भाई, ये वाला, ये जंगली इलाका में बहुत देखा हूँ। ये क्या है ये हैं, ये क्या है, किसी का घर है तो मैं तोड़ रहा हूँ तो मुझे माफ़ करना। कमेंट में बताना ही क्या है ये। फाइनली ये भैया यहाँ पर थे लेकिन कहीं चल गए थे, तो अभी इन्हीं के पास चाबी हैं। भैया अपना नाम बता दीजिए। सुकुलदर बगेले। ओह, तो इन्हीं भैया दिखाएंगे हमको ये कौन सा गुफा है, ये नाम डंडक गुफा। हाँ तो ये है भाई गुफा, आप लोग देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर। अरे बाबा एकदम कहीं था, इधर दिखाइए भैया, देखो यार कैसा कैसा बना हुआ है पूरे ये भैया कैसे बना है, पानी के अथी से बना, पानी के ट्रॉफ से बनता है ये, पानी के ट्रॉफ से बन जाता है ना। पानी में इतना, एक बार वीडियो वायरल हुआ था जो पानी में इतना ताकत रहता है कि लोहा को भी काट देता है, वैसा ही है ना। और जब आप लोग यहाँ पर आइएगा, इधर दिखा दीजिए भैया, तो देखिए सीढ़ी का गढ़ाई ना ज़्यादा है कुटुमसर से, तो आप लोग ध्यान से उतरिएगा यहाँ पर। बहुत कोई कुटुमसर से ऐसे सीधे लगता है उसको थोड़ा थोड़ा है तो
वो उतरने लग गया है। ऐसा ही कुटुंबसर में है ना भैया, और इधर आप लोग देख सकते हैं यहाँ का कोई खासियत जो भैया कोई खासियत ओ तो ये गुफा भैया कितना मतलब अच्छी है? ये 250 वो 300 मीटर का था ना। अरे बाबा कैसा कैसा बन गया है ये, जैसे महाभारत सब में नहीं बना रहता है गुफा के अंदर वही। हाँ ये है ना वैसा बना हुआ है ये, इसका लग रहा है जैसे दांत नहीं निकालता है भैया, ये ऐसा लग रहा है ये दोनों है ना। ये क्या भैया ये लाइमस्टोन मतलब क्या होता है? चूना पत्थर ना। हाँ। मैं भूल चुका हूँ, मैं भी साइंस पढ़ा था लेकिन अभी भूल चुका था कैसा कैसा पानी में बन चुका है ये। अच्छा भाई बारिश के समय में पूरा भर जाता होगा तब? यहाँ पर नहीं घुसता, कुटुंब सर में घुस जाता है। ऊपर है ये, इधर देखो अच्छी सब है, बहुत रहता है इधर चमगादड़ है ना। ये इधर जाके वहाँ पे जाके बंद हो जाता है, मेन इधर से है ना। ये चलिएगा भैया, जाएंगे चलिए। पहले भैया जाएंगे उसके बाद में यहाँ पर तो मोटा लोग तो फंस जाएगा भैया, नहीं आते हैं मोटे लोग, नहीं ना आते हैं। ये धरिए भैया पानी बोतल। यहाँ पर भाई सेल्फी स्टिक काम करता ब्लॉग बनाने के लिए। भाई इधर से मैं आया, चलो भैया। थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये है ना, ठीक से दिखाना। अरे बाबा यही है ना, ये कैसा बना हुआ है भैया। ये सब मैं पहली बार देख रहा हूँ भैया, इसीलिए आश्चर्य लग रहा है मेरे को। ये फोटो खींच देना भैया यहाँ पर। तो ये वो अंदर तक है भैया ना? हाँ। अंदर कोई नहीं जाता होगा ना? यहाँ गिर भी गए तो इसका हड्डी तक मिलना मुश्किल है। अंदर बहुत गहरा है ना? वाह। ये और ये इसका दोनों का खासियत यही है ना? हाँ। तो भैया इसका चोरी करने भी कोई आता है क्या? नहीं। कभी चोरी करने का प्रयास भी किया गया? आज तक तो नहीं, क्योंकि मैं ढोलकल गणेश गया था ना। हाँ। तो वहाँ पर बोल रहा था कि कोई शिवलिंग का और गणेश जी का मूर्ति को मतलब तोड़ दिया था, तो पूरा तत्व विभाग वाले सब वो लाके फिर से जोड़े उसको, सूर सबको, मान के सूर जो है ना उसको। भाई अगर आप लोगों को ऐसा देखना है तो छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाका भले ही ये बदनाम करके रखा है लेकिन प्रकृति से परिपूर्ण कुल जगह है ना भैया। देश के बाहर मतलब इस राज के बाहर तो बर्बादे करके रखा है, बर्बादे नाव से वहाँ पर ऐसा है क्या? मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं?
आप लोग न्यूज नहीं देखते? न्यूज थोड़ा थोड़ा बहुत देख लिया करिए। तो भैया इसमें कभी ना कभी पानी घुसा होगा तभी ऐसा कटाव बना है ना? इधर दिखाइए भाई, इधर पूरा देखो भाई लोग। ये भैया इसमें जो अगर एक रात रह जाए मर जाएगा गर्मी के कारण ना, ठंडा में भी गर्मी यहाँ पर एहसास दिलाएगा ना, जिसको ठंड लग रहा वो आ सकता है। और यहाँ पर चमगादड़ तो भरा पड़ा रहता है ना भैया, इधर नहीं जाना है ना। हाँ, वो मैं देखा वहाँ पर कुटुम्बसर में स्लिप होते होते हुए मैं बचा। ये लिखना नाम नहीं लिखना चाहिए, नाम लिख ले। लोग बर्बाद कर देता है तो अपना चीज ही ना, ये देश का ही है एक तरह से, रहेगा तो विदेशी भी आएगा, ज़्यादा फेमस होगा तो। तुम सर में आते हैं वो देखने के लिए आते हैं क्योंकि उसका स्ट्रक्चर बोलता है कि बहुत अच्छी है। यहीं तक है ना? और एक मिनट भैया, उधर उधर वो क्या है वो उसके बाद बंद हो जाता है ना, तो यही है ना। और जो वो था वही था उसका मेन, इधर से कैसा लग रहा है बाप रे। पहले तो बोला जाता है कि पहले ऐसे ही आदि मानव सब रहते थे ना। ये इधर दिखाइए भैया, ये देखो भाई यहाँ पर कैसा है। मैं ज़्यादातर भैया मतलब किला उला देखने जाता हूँ या ट्रैकिंग करने ना, तो मैं ये ज़्यादा ध्यान देता हूँ कि स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे ये इधर देखिए, मैं ज़्यादातर स्ट्रक्चर पर ध्यान देता हूँ कि उस ज़माने में कैसा बनाया जाता था। चलो भैया मैं बंद करता हूँ। आप चलो पहले आप पार हो जाओ, उसके बाद आप।